इनका क्या नाम है, ताहिरुन्निसा को क्या करने वाला था तू? बीमारी डाल के मारने वाला था, एक्सीडेंट करके मारने वाला था? जवाब दे जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ एक्सीडेंट क्या करने वाला था? एक्सीडेंट। अच्छा बीमारी से मारूंगा। अच्छा एक्सीडेंट या बीमारी दोनों में से एक करके। तो बीमारी क्या डाल रहा था, कमजोरी डाल रहा था क्या? हाँ और मियां बीवी में झगड़े भी लगा रहा था तू दोनों के वो? हाँ क्या बोल के ऐसे ही। उसका मियां नजदीक आया तो तुझे पसंद नहीं है इसलिए तू उसको लड़ता आग में घुस के उसके? हाँ मैं उसके साथ सब कुछ करूंगा। अच्छा कितने साल से तू उसके आंग पे? कितने साल से? क्या नाम है इनका? ताहिरुन्निसा के आंग पे कितने साल से? बाप रे जलाओ उसको तेजी से नाला आपको। उन्हें मेरा जवाब नहीं देगी उसको काट के डालो उन्हें। हाँ जल्दी जवाब नहीं तो तेजी से आंख भड़काऊंगा। हाँ मैं दूसरे रूम में गई हूँ तभी से मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा तू इसके आंग पे कितने साल से, तू इसके आंग पे कितने साल से है? ये ताहिरुन्निसा के आंग पे कब से है तू, कब से तकलीफ दे रहा उसको? 3 साल से। हाँ 3 साल से। अच्छा तू औरत है आदमी है? आदमी है। अच्छा तू मरे वाला है जिन्नात की नस्ल में से है? मरा हुआ। अच्छा हिंदू का था मुसलमान का है? हिंदू का है। कहाँ चलाए थे तुझे, शमशान से कब्रस्तान से? अब वो नहीं मालूम लेकिन दूसरे रूम में गई हूँ तभी से हो रहा है। झगड़ो उसको, नारा को छोड़ वाला की मारो उसको, तेज से झगड़ लो उसको और तेज से छोड़ा दो। हाँ और क्या कर रहा था तू तकलीफ, और क्या दे रहा था? झूठ बोला की मार पड़ेगी यहाँ तुझे, झूठ बोला की मार पड़ेगी कमबख्त। अच्छा तू कहाँ से आया था, शमशान से कब्रस्तान से, कहाँ से लाए थे तुझे? हाँ अब वो तो नहीं मालूम है लेकिन मैं दूसरे रूम में गई ना तभी से मुझे डर लग रहा है। मनमाना कर रहा हूँ अभी, चालबाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। चालबाजियां करता मेरे साथ कमबख्त, काट के भी भस्म कर दूंगा पूरा तुझे। इसके घर से और किस किस को मारने वाला है तू इसके बाद में? किसी को नहीं। अच्छा इसको कब मारने वाला है, ताहिरुन्निसा को कब मारने वाला है? अम्मास में पूनम मारने वाला, तो अम्मास में पूनम में कब ले जाने वाला है? वो सब नहीं मालूम, मौका देख के लेके चल जाने वाला है। हाँ मैं छोड़ के हट जाऊंगा। नहीं तो तू अभी तक 3 साल में लोगों को बहुत जगह बोलाऊंगा मैं छोड़ के हटूंगा, मगर हटा नहीं तू। हाँ इसको किस चीज में लाकर खिलाए थे वो तो नहीं, याद करके बोल कम वक्त तभी काट दूंगा पूरा। किस चीज में? कितने साल से परेशान कर रहा था तू इसको एग्जैक्ट? मैं इसको 3 साल से ज्यादा परेशान कर रहा हूँ जब से ये दूसरे रूम में गई है। और कुछ नहीं, और इसको आदमी के जैसा मैं इसके साथ रहता हूँ। अच्छा इसका मतलब तू का खून भी पीता, फिर तू पिशाच है, पिशाच नामक जिन्नात है, पिशाच नामक वाला है। ये क्या करते लाकर जब छोड़ देते तो ये फिजिकल रिलेशनशिप पूरी बनाने की कोशिश करते और इंसान को बहुत परेशान कर करके करते कमबख्त। और क्या कर रहा था तू उसके साथ? और कुछ नहीं। कहाँ से लाए थे तुझे, शमशान से कब्रस्तान से? कोई भेजा नहीं मालूम लेकिन मकान घाट से आया हूँ। घर में से खैर बरकत कुछ उड़ाया क्या उनके? हाँ बरकत नहीं होती है कुछ भी। अच्छा दलील दरी लगा रहा था उनके घर में ना मुसती? ये बहुत चाहती है कि बरकत हो। इबादत भी करने नहीं दे रहा था? नहीं इबादत भी नहीं करने देता है। इबादत करने लगी तो क्या करता तू, वो उसको नमाज भी नहीं पढ़ने देता? मैं कुछ भी मतलब सुस्ती जैसा हर चीज में इबादत की रस्सी को पहले से मजबूती थामना, अगर मजबूती से नहीं थामोगे और बाद में जादू चलने के बाद पकड़ने जाएंगे इबादत की राह, तो ये शैताना जाने नहीं देते। राह पर देखो क्या बोल रहा हूँ, राह पर जब इबादत के जाते थे तो उन पेट में दर्द करता था। ठीक है उसको और झगड़ो ना लाया पोते जी के साथ में। कौन से गांव का है तू, कहां से लाए थे तुझे? ताहिर भी को कहीं में मिला के खिलाए थे? जादू चलाते टाइम क्या ले गए थे ताहिर भी का? क्या पूछा मैं, जवाब जल्दी
जादू चलाते वक्त क्या लिए थे उसके सर के बाल, कपड़ा, मट्टी, चप्पल, पैर, क्या लिए थे? हाँ अच्छा, तेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं। कम वक्त बाप का तेरा रात चल रहा, अंदर आके तू बैठ रहा, जब तेरे को पूछेंगे तो तेरे कुछ याद नहीं आ रहा। वाह रे, तेरे मार मार के दो टुकड़े करूँ क्या तेरे? काट के ले लूँ क्या दो हाथा तेरे? बोल, लू क्या अभी काट के भड़कम अंदर डबल से? हाँ चल उठा दो ना, तोबा तोबा कर, मुंह पे मार के जोर से तोबा तोबा कर, सबको सुने आना। जोर से कर तोबा तोबा, जोर से करेगा दोबारा परेशान नहीं जाएगा उसके अंग में नहीं। जोर से तोबा तोबा, तोबा तोबा, सुने नहीं आ रहा मुझे, चीख लगा के बोले तोबा तोबा, इतने दम से जोर से तोबा तोबा, करेगा दोबारा परेशान नहीं। रोकेगा उसको नमाज पढ़ने से नहीं, रोकेगा उसको इबादत करने से नहीं, लगाएगा उसके घर में किरकिरियां झगड़े नहीं, रोकेगा खैर बरकत, तोबा कर जोर से तोबा तोबा, जोर से तोबा तोबा, जोर से सुने आना सब लोगों को जोर से। चल अब दूसरी चक्कर तक मेरे को सब याद करके आके सुनाना, कौन लाके डाले थे ताहिर भी के अंदर, कहां से लाए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कितने लोग थे, उसके रिश्तेदार थे, कौन थे, दोस्त थे, सब याद करके आके बयान करना दूसरी चक्कर तक, समझ गया ना कमबख्त? जब तक इसको बंद के डाल दो, इसको जंजीर में डाल के। ओए ताहिर भी, ओए ताहिर भी, पानी पियो, कहाँ से आए? बम्बई से आए। अच्छा, कितने साल से परेशान थे? 3 साल से परेशान थे। क्या होता था तकलीफ? वही पेट में दर्द होती है। और जो मेरे साथ से व्यवहार जो है, हाजिर होता कैसे पहले कभी? हाजिर होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, खेलती है। कुछ बोला नहीं मतलब? हाँ। और यहाँ कितनी बार आए आप? मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार मुझे हाजिर हुआ यहाँ सामने? पहली बार हाजिर हुआ। उनका कहना है उन्होंने बहुत जगह गए, 3 साल से परेशान थे, अभी उन्होंने बता रहे थे, उसका ट्रांसलेट करके बताओ तुम लोग रिगार्डिंग में सुन लो। उन्होंने परेशान थे 3 साल से, वहां पे आता था मगर खेलता था, दिखाने करता था, नाम नहीं बोला। यहाँ पकड़ कर सब दास्तान पूछा है, अब कौन डाला क्या डाला वो भी पूछाएंगे इंशाल्लाह सेकंड राउंड तक। और दूसरी बात क्या बोलते, तो ऐसी हरकत एक दूसरे पर जादू टोना नहीं करना। अगर तुम जादू को ना करोगे, अपने दिल में हसद और जलन रखोगे, तो तुम्हारे दिल से ईमान जल जाएगा और खत्म हो जाएगा। ईमान जब चले जाएगा तुम्हारे दिल से निकल कर, तो फिर तुम ना दीन के ना दुनिया के कहीं के नहीं रहे, फिर तुम ना आखिरत बचेंगी तुम्हारी ना दुनिया बचेंगी। इसलिए इबादत के रस्सी को मजबूती से थामना। इबादत का ऐसी ढाल है, इबादत तुम अगर करोगे तो तुम्हारे दिल से हसद जलन भी निकल जाएगा, तुम्हारी दुनिया आखिरत भी बन जाएगी, और तुम ऐसा एक दूसरे के ऊपर जादू टोने भी नहीं करेंगे। अगर तुम एक दूसरे पर जादू टोने कर रहे, ये भलाई किसी के आंगों में ला के छोड़ दे रहे, तो ये बातें याद रखना एक बात, कि दूसरों के वास्ते खड्डा खोदने वाला खुद भी खड्डे में गिरता, तुमको दुनिया में भी झड़ती देना पड़ेगा, आखिरत में भी झड़ती देना पड़ेगा। देखो कौम का हाल ऐसा होगा, उम्मत का आलम आज ऐसा आलम चल रहा उम्मत के अंदर, कि आज उम्मत को सख्त जरूरत है साबिर पिया के जैसे वलियों की, आज उम्मत को सख्त जरूरत है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जैसे शख्सियतों की, आज उम्मत को सख्त जरूरत है बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जैसी, बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के जैसी। तो ये बच्चों ने दुनिया में जन्म लिया, ये रूहें दुनिया में आई तो कैसी आई, कैसे थे, इनके माँ का गोद जो रहता, माँ का गोद सबसे पहला, माँ की कोक और माँ का गोद सबसे पहला स्कूल है रूहानियत के मामलों में। माँ की कोक पहला, माँ का जो हमल रहता पेट में जो बच्चा रहता, तो वो जो हमल में बच्चा है वो कोक बोलते हैं, तो वो कोक के अंदर अगर रूहानी माँ उसकी पहले से ही इबादत में मशगूल रही तो बच्चा रूहानी ताकत वाला पैदा होगा, पावरफुल। और दुनिया में आने के बाद माँ की गोद अगर दीन और दुनिया की तालीम देंगी तो वो उसका दूसरा स्कूल है, उसका रूहानियत का पहला स्कूल माँ की कोक है। सच नाम अल्लाह का, अजा हो रही अभी, अजा होने दो, 2 मिनट से उसके बाद कंटिन्यू। माँ की गोग और माँ की गोद दोनों में ये फर्क है कि माँ की जो गोद रहती है दुनिया का स्कूल सिखाती है, और माँ की जो कोक जो पेट रहता उसके अंदर जो बच्चा रहता तो रूहानियत का उसका स्कूल रहता, रूहानियत का गोद है उसका पहले। अगर माँ कैसा रूहानियत का गोद है वो भी बता देता मैं तुम्हें, क्योंकि ये सुनो कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे आपको, फरीदुद्दीन को
सैयदना फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो थे, तो आपको शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे। शकरगंज बोले तो गंज यानी के खजाना, और शक्कर बोले तो शक्कर का खजाना, इसका मतलब क्या होगा शक्कर का खजाना। तो कैसा उनका नाम ये लखब कैसा मिला, आप एक दरख्त के पास बैठे वाले थे तो आपके पास दो फकीर आए, आपकी जवानी का आलम था, समझो नौजवान बच्चा एक झाड़ के नीचे बैठा, उनके पास दो फकीर आए, और दो फकीर आकर बोले कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। और वो बच्चा कौन था जो पटियाला नौजवान, बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जिनको बोलते थे, यहाँ से शकरगंज का लखब मिला। तो आप ऐसा बैठे आते थे, दो फकीर आए, दो फकीर ने बोले कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे नौजवान। तो उन्होंने कहा कि मेरे जेब में कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं, क्या दूं मैं अल्लाह के नाम पर, कुछ भी नहीं है मेरे पास में देने के लिए। तो बोले अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे नौजवान, तेरे पास तो बहुत कुछ होगा। तो उन्होंने बोले कुछ भी नहीं है, क्या कुछ नहीं। तो वो दो फकीरों ने उनको गाली दे दिए, किसको गाली दिए, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह, बाबा फरीद को गाली देते। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरफ देखे और देखे कुछ नहीं बोले, हमार को तुम्हार को इस दौर के नौजवान को या इस दौर के किसको भी गाली दे दो, है तेरी ऐसी की हम आपको ऐसी गाली दे दिया, नहीं क्यों बोल के लड़ेंगे, उसको मारेंगे उठ के इस दौर के लोग। मगर उन्होंने अल्लाह के वली आंसर दे, उन्होंने देखे और कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए आसमान की तरफ देखे, फिर बैठ गए। वो दो फकीर गाली दे के चलने लगे, चलने लगे तो अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है कि फरीदुद्दीन को गाली देने के बाद भी फरीदुद्दीन ने पलटा के कुछ बोला नहीं उनको, और ना उनके बारे में उफ करके बोला, ना इल्लल्लाह बोला, इस तरह से अल्लाह के वलिया। वो दो फकीर आगे बढ़ने, दो फकीर ने गालियां दिया, फकीर फिर आगे बढ़ने लगे, किसको, फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखेगा, चुप बैठ गए, सबर करके अल्लाह के नाम, देखिए अल्लाह की तरफ से कुछ इशारा होगा, यानी कि अब देव फकीरों को अब नमाज। तो आपने क्या करे, फकीरों को बुलाया, अब आ जाओ बोले मैं तुम्हारा देता हूँ कुछ है मेरे पास देने के लिए। ऐसी मट्टी उठाए उनकी झोली में भरे, मट्टी उठाए झोली में भरे, मट्टी उठाए दोनों के झोले में भरे। तो दोनों ने बोले एक शख्स ये क्या कर रहा, फरीद एक शख्स तू ये क्या कर रहा हमारे इसमें झोलियों को, तूने मट्टी से भर दिया। ऐसा वैसा और बात सुनाते, चार कदम आगे गए, चार कदम आगे जाते थे उनके जो मट्टी से भरे वाले जो बोरियां थे वो शक्कर के उससे भर गए, शक्कर बन गई बोरियों के अंदर, शक्कर बनते जो फकीर फिर वापिस आ रहे बोले कि शख्स तुमने तो और भरो हमारे झोली में और भरो, तुम अभी तो क्या बोल रहे थे क्यों मट्टी भर रहा, क्यों मट्टी भर रहा बोल के उनको लड़े। फिर भी उन्होंने मट्टी भरे, फिर उन्होंने आगे गए, चार कदम जाने के बाद में फकीरा उनके इसमें जो मट्टी भरी थी वो शक्कर में तब्दील हो गई, अल्लाह के उससे शक्कर में तब्दील होते आप वो दोनों भी कम वक्त फकीर रिटर्न आए फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास में और बोले कि ए शख्स और भरो हमारे से तुम। तो उन्होंने बोले जब उन्होंने इशारा दिया तो मैंने भरा, उन्हें नहीं दे रहा इशारा तो क्या करूँ, बस बोले जो है दे दिया मैंने, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं था, जब उस वक्त दे रहा था उन्हें दिया था बोल के दे रहा था, अब उन्हें नहीं दे रहा तो मैं कहां से दूं, जा सकते बोल के भेज दिया उनको। बाद में फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो थे तो उनकी उनके पीर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सब लोग उनको भेज दिए थे कि जाओ जाकर तब दीन की तबलीग करो, अल्लाह की राह में एक अल्लाह और उसके रसूल की तबलीग करो, बताओ लोगों को ये सब दास्तान तबलीग इस्लाम दीन को फैलाओ। उन्होंने आए फैलाते फैलाते, उन्होंने रोज फैलाने लगे। बाद में ऐसा हो गया कि जो भी आपका चेहरे नूर देखता आपको जबान से बोलने की जरूरत नहीं थी, आ गया ऐसा कर अल्लाह एक अल्लाह का रसूल एक, सिर्फ और सिर्फ आप जबान से नहीं बोलते थे, सिर्फ आपका चेहरे नूर लोग देखते थे तो आपका चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते थे लोग, अशहद अल्लाह इला इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही गवाही देते थे लोग आपका चेहरा देखकर। तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, कोर्ट के अंदर मुकदमा चलेगा, हर दौर में फसादी लोग रहते, हर दौर में बदमाश लोग रहते, हर वली अल्लाह हर अल्लाह के पैगंबर और सबके रास्तों में कांटे डाले लोगों ने लाके, अब इनको भी लेके चले गए कोर्ट में। अब जुर्म क्या है मुजरिम का, जुर्म ये है बोले कि ये शख्स जिस गली से गुजरता इसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ना चालू कर देते, इसका जुर्म ये है बोले इसका चेहरा देख के कलमा पढ़ते फरीदुद्दीन का। ठीक है आप कोर्ट में लेकर जज आया, अब आपको पेश कर रहे जज आके कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पर बैठ के पूछा कि आज का मुकदमा क्या है, आज का ये है बोले आज का अपराधी का अपराध ये है, गुनहगार का गुनाह ये है कि उसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेते, उसके चेहरे नूर को देखते लोग ईमान में चले जा रहे तब्दील हो जा रहे, उसका ये गुनाह है बोले। जज ने बोला ऐसा बुलाओ कौन है सामने, मैं भी देखने था, तो बुलाए जज के सामने जैसे आप पेश होते, जज ने देखा कुर्सी पे से उठ के खड़े होकर खड़े होकर बोला अशहद अल्लाह इला इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज ने भी कलमा पढ़ दिया, क्योंकि जज कानून कायदे ये सब वलायत की जूतियों के नीचे से है, दुनिया की हुकूमत ऊपर नहीं जा सकती उनके, क्योंकि वो अल्लाह का निज़ाम चलता है उनके ऊपर, ये अल्लाह वाले हैं, इनके अल्लाह ने सदक़े में सब बना वाला है, इनको किसी का मोहताज नहीं रखा, ये अल्लाह के मोहताज है और पूरी दुनिया इनकी मोहताज है। फिर बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पूरी चर्चे होने लगे, सही वो दरवाजा मत बजाओ वैसा कौन है वो। फिर उसके बाद में बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चर्चे होने लगे पूरे मोहल्लों में। मैं ये बताने जा रहा हूँ अभी क्या दास्तान बता रहा हूँ, माँ की कोख पहला स्कूल रूहानियत के मामले में, दूसरा स्कूल माँ की गोद। तो देखो अब फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहां से घर के तरफ रवाना हुए अपने, तो
पूरे गांव में पूरे शहर में चर्चे होने लगे, पूरे स्टेट में चर्चे होने लगे कि एक नौजवान बच्चा ऐसा है कि जिसके चेहरे को फरीदुद्दीन के चेहरे को देख के लोग कलमा पढ़ देते, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नूर इतना अल्लाह का उसके चेहरे पे, बच्चा बच्चा तेरा घराना नूर का, बोले अल्लाह में सब बातें। तो फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फिर वहां से क्या करें, घर पर गए शाम के, अम्मी जान आपके बैठे थे तो आपके अम्मी जान ने दस्तर बिछाए, अरे बेटा आ गया मेरा बच्चा आ गया, बोले चलो खाना खाने को बैठो, बिठाए बेटे को, तो बेटे बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह दस्तरखान पे बैठे और बैठ के आपके अम्मी जान को बोलने लगे आप कि अम्मी जान आपको एक बात पता है क्या, बोले तो उन्होंने बोले क्या, बाहर पता है तुम्हारे फरीदुद्दीन के बारे में क्या चर्चे चल रहे, तो उनके अम्मी ने कहे कि बेटा मैं पर्दादार खातून, मैं झोपड़े के कुटिया के बाहर कभी नहीं निकली, मैं अल्लाह और उसके रसूल की अतात में इबादत में अंदर ही रहती 24, मैं कहाँ बाहर जाऊं, मैं बाहर का माहौल मार्केट बाजार मुझे तो नहीं मालूम, आजकल तो बस दाले बुरखे फैशन के चले बाजारों में, तो कहां से तुम्हारे पेट में अल्लाह नेक औलाद अता करेगा, देखो ये कैसी माँ थी। तो दस्तर पे बैठे, जो कोक का वाकया बताना है ना, मैं सुनो आप, वालदा आपके माँ जी दस्तर पे बैठे वो, और बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालदा से फरमा रहे कि अम्मी जान क्या था आपको पता है कि चर्चे क्या चल रहे हैं मार्केट में तुम्हारे बेटे के बारे में, तो उन्होंने बोले मुझे तो नहीं पता बेटे, मैं अल्लाह रसूल रोजा हदीस दीन कुरान सब मेरा घर में चौथा, मैं तो बाहर कभी नहीं निकलती पर्दादार खातून। तो बोले आपके बेटे की चर्चा ऐसी है मार्केट में कि आपके बेटे पूरे शहर में पूरे स्टेट में कि जो भी आपके बेटे का चेहरा देख लेता तो कलमा पढ़ लेता, ये चर्चा चल रही है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं फरीदुद्दीन को। तो उनके वालदा क्या बोलते, बैठे आने रहते, तो वालदा बोलते बेटे ये तेरी फजीलत नहीं है, तेरे वजह से नहीं है, ये सब जो है ये मेरे वजह से, ये तेरे वजह से नहीं हो रहा, ये सब जो भी तेरे हाथ से करामत जाहिर हो रहे ये सब मेरी वजह से हो रहे। तो बाबा फरीदुद्दीन बोलते ऐसा कसम अम्मी जान मैं तो कर रहा हूँ जाके बाहर तबलीग, तुम थोड़ी निकले, तुम तो पर्दादार खातून है ना, घर के बाहर निकलते ना कुछ ना क्या, मैं अल्लाह और उसके रसूल के राह में तबलीग कर रहा हूँ, बाहर जाके तो लोग ईमान में आ रहे कलमा पढ़ रहे मेरा चेहरा देख के, फिर आपका इसमें कहां से भला कुछ हो सकता अंदर जो भी है तो हिस्सेदारी। आपके वालदा फरमाते बेटे ये तेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है ये सब मेरी तजल्ली है। तो कैसा, तो मैं तुझे तीन राज बताती हूँ, एक राज दो राज तीन राज तुझे पे खोलती हूँ। पहला राज कि जब मेरे हमल में मुझे पता चला कि मैं हमल से हूं, तो मेरा जब से मेरे हमल में तू था जब से लेके 9 महीने तक मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं हर गुनाह से सगीरा कबीरा छोटा गुनाह बड़ा गुनाह हर गुनाह से बाज आ गई, कोई गुनाह नहीं की मैंने। क्यों नहीं की कि मैं ये सोचती थी कि मेरे पेट में बच्चा है अगर मैं गुनाह करूंगी तो वो असर उसके ऊपर पड़ेगा। आजकल का ऐसा माहौल होगा चलो जादू टोना ठोकने को, चलो जादू टोना करने को, अरे वो तो बहुत बुरा है, शिर्क से भी बदतर आलम। अब क्या बोला तुम्हारे शिर्क होता हुआ एक हिसाब से देखा गया तो पढ़ो तफसील हो तुमको पता चलता, दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है, जादूगर के पास जाना शिर्क है, अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से हटके तुम जा रहे ना तो उसको शिर्क बोलते, क्योंकि अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे तुम, जादूगर से जाके मदद मांग रहे गैरुल्लाह के सामने, दरगाह पे जाना शिर्क नहीं, ये शिर्क मामले। अब जब मेरे पेट में बच्चा था मेरे को हमल का पता चल गया मेरे पेट में हमल है, तो मैंने जब से लेके फरीदुद्दीन 9 महीने तक एक गुनाह नहीं करी, एक भी गुनाह नहीं, ना सगीरा ना कबीरा कोई गुनाह नहीं, हर गुनाह से बाजी, क्योंकि बच्चे पे असर नहीं हुआ। फिर दूसरा, जब मेरे को दूसरा राज, पहला राज होगा गुनाह नहीं करी, दूसरा राज जब बच्चा पैदा हुआ दुनिया में तशरीफ लाया, तो वो बच्चा तौलीद होने के बाद पैदा होने के बाद मैं जब भी वो बच्चे को दूध पिलाती थी पहले वजू करती थी फिर 2 रखात नमाज नफिल अदा करती थी फिर दूध पिलाती थी। फिर तीसरा राज सुन बोले मेरे बच्चे, तो अब अम्मी जान तीसरा क्या राज है, बोले अब तीसरा राज ये है मेरे बच्चे कि मैं रात में रोज तहज्जुद पढ़ती हूँ, कई सदियों से कई बरसों से कई सालों से मेरी तहज्जुद कजा हुई क्या नहीं मुझे भी याद नहीं है, बोले यानी कि कंटिन्यू पढ़ती हूँ मैं, कब नहीं छूटी मेरी तहज्जुद, तहज्जुद के अंदर मैं सिर्फ एक ही दुआ करती मेरे रब के सामने मेरे अल्लाह के सामने, सजदे में सर रख के सजदे में नाक रगड़ के अल्लाह के सामने ये दुआ करती हूँ मैं कि या अल्लाह मेरे बच्चे को फरीदुद्दीन को जहमत मत दे, तबलीग की राह में निकल रहा तो खाली उसका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ लेना। तो ऐसी बात है, तो कैसा बुजुर्गान दीन, उनके माँ कैसी थी, कितनी नेक बखत वो माँ का कोख थी, कितनी नेक बखत वो माँ की गोद थी जो वजू और 2 रखात नमाज पढ़ के दूध पिलाती थी, जब हमल में था तो वो हमल कैसी कोख थी कि जिसके अंदर कभी बच्चा पेट में था तो माँ ने पूरे 9 महीने में गुनाह नहीं करी, पैदा होने के बाद कभी बगैर वजू से और 2 रखात नमाज पढ़े बगैर दूध नहीं पिलाई, तीसरा कभी तहज्जुद कज़ा नहीं, और तहज्जुद में दुआ करती थी कि मेरे बच्चे का चेहरा देखते ही लोग कलमा पढ़ लेना। तो ये माए थे इनके इतने नेक वक्त, तो इस वास्ते इनके इतने नेक वक्त बच्चे पैदा हुए, जब बच्चा पड़ा हो तो शेख फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह उनका वो नानी का नवासा वो फरीदुद्दीन के अम्मा
नानी होते, किसके नानी होते, साबिर पिया कलियर के, साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह का वाकई पढ़ो कितने जलाली हस्ती थे। जब नानी इतने नेक रहेंगे तो नवासा कैसा नहीं नेक रहेगा, फिर मामू जान का सीने अल्लाह कितने बड़े वली रहेंगे। तो ये सब दास्तान है, इस वास्ते तुमको बार बार बताते कि नेक बनो, इबादत गुजार बनो, टीवियां देखने, पिक्चरां देखने, गाने देख रहे, तुम बच्चे हमलों में है तो फिर तुम्हारे बच्चे शैतान के साथ यहाँ बन के पैदा हो रहे दुनिया में, दीन में बिगाड़ा भी डाल रहे, फतवे भी डाल रहे, फितने भी डाल रहे, और दीन को बेच के खाने वाले दलाला भी बन जा रहे कमीने सारे नाला। तो कभी वैसी गलती मत करो, जब बच्चे तुम्हारे हमलों में है तो तुम उनको वजू से, उससे पहले नेक बन जाओ, उसके बाद में होने के बाद वजू से नमाज पढ़ के दूध पिलाओ। जब तुम्हारे इतनी आला और अच्छी शख्सियत अल्लाह पैदा करेगा, अल्लाह के हाथ में रूह कौन सी किसके अंदर भेजना है, फिर वैसे रूहानी तो वैसे नेक बखत बच्चे तुम्हारा पता करेगा। जब माँ बाप नहीं करेंगे तो औलाद भी नहीं करेंगी। माँ बाप अगर से दगलबाज है, बदमाश है, लोग घर गर्म पानी से जला रहे, लोगों पर जादू टोने कर, तो उनकी औलाद भी वैसी पैदा होती, नस्ली हराम जिसको बोलते ना, नस्ली हराम यानी कि नस्ल से हराम जादे, तो उनके बाप दादा हराम जादे तो उनके बच्चे भी हराम जादे। अबू जहल की औलादे अबू जहल के खानदान से वही पैदा होंगे जो नबी के रास्तों में कांटे डाले, और अबू लहब के भी वही पैदा होंगे जो नबी के रास्तों में कांटे डाले, और इमाम हसन इमाम हुसैन की वही औलादे पैदा होंगे कि जो नबी के घराने पे कुर्बान हो जाने वाले रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के शान में कुर्बान हो जाने वाले रहेंगे। करबला कोई रहबर नहीं है हमारा तुम्हारे सिवा हुसैन, क्या रहबरी की थी हमारे लिए हुसैन, अल्लाह और रसूल की रजा में बच्चा बच्चा कुर्बान कर गए, हमारे लिए इस्लाम महफूज कर दिए। हुसैन के बच्चे वही रहेंगे अल्लाह और उसके रसूल के शरीयत पे मर मिट जाने वाले, और यजीद के बच्चे वही रहेंगे दुनिया के अंदर इस्लाम में फितने फसाद डालने वाले, पैसे ले लेके दाड़ियां रख देंगे, बड़े बड़े मौलविया बन जाएंगे, दीन में ईमान में फितने डाल के भाई कहेंगे तुम्हारा, फिर क्या परस्त बांटेंगे तुम्हारा, फिरकों में बांटेंगे, किसके औलादे यजीद की, अबू लहब की, जहेल की, ये सब नस्ल हराम की। और ये जो नूर का घराना था इमाम हसन इमाम हुसैन का, उनकी औलादे खयामत तक भी वो रहेंगी, और बता भी दे दो उनको हदीसों में कि इमाम मेहंदी भी लास्ट उनका बच्चा आएगा तो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का परचम लहरा के देगा, पूरी दुनिया में सुनहरी दौर कर देगा हुकूमत का ऐसा कि जो अदल व इंसाफ दुनिया से मिट जाएगा, जुल्म बढ़ जाएगा, इंसाफ का नाम व निशान रहेगा। तो जब इमाम मेहंदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से, इमाम हसन इमाम हुसैन की नस्ल से निकलेंगे, और वो बच्चा पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ करेगा, पूरी दुनिया में इंसाफ करेगा सारे जालिमों को मिटा के, बता दिया ना। तो ऐसी बात, इसलिए नेक बनो, तुम नेक करेंगे तुम्हारे बच्चे नेक, तुम्हारी नस्ल नेक, फिर तुम खबर में जाने के बाद बड़ा सवाब है जारिया का बात सुनते ना, मगर ये नहीं मालूम तुमको, तुम अगर गुनहगार नस्ल दुनिया में छोड़ के देंगे तो आजाब होगा खबर में, उन जितने गुनह करेंगे औलादे तुम्हारे उतना आजाब मिलेगा, तुम्हारी औलादे जितनी नहीं करेंगी अल्लाह उसके रसूल की अतात करेंगी उतना तुम्हारे सवाब मिलेगा खबर में। इसलिए आखिरत बनाओ, दुनिया मत बनाओ, दुनिया के चक्कर में आखिरत मत कमाओ, क्या कमा के क्या खोरे क्या पा रहे ये समझो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। किस्सा इस वास्ते बताया मैंने तुम लोगों को कि माँ की कोख जो है वो पहला रूहानियत का स्कूल है, बच्चे का रूहानियत अलग है और दुनिया की तालीम अलग है, रूहानियत के मामले डायरेक्ट तुम्हारे अल्लाह से कनेक्ट करते, इबादत का लोग है, तो नेक रहो तो तुम्हारे बच्चे भी नेक रहेंगे, सब बातों से महफूज रहेंगे। कौम को उम्मत को सख्त जरूरत है चीजों की कि मर्द मुजाहिद मैदान के गाजी ऐसे अल्लाह वाले शख्सियतें होना कि जिसकी हद में, और दुआ जब तक बुजुर्गान दीन नहीं करते, जब तक तुम्हारे बादशाहों को फतहात नहीं मिलती जंग के अंदर, जाओ खुद से पढ़ लो तारीख में, तुम्हारे बादशाह ना कर रगड़ते थे रात और तहज्जुद में उठ के भी अल्लाह के सामने तो भी फतेह नहीं मिल रही थी, कई जंगों के अंदर के वाकये पढ़ लो, जब बुजुर्ग के पास बुजुर्गान दीन के पास में गए और जाके दुआ कराए उसके बाद ही फतेह मिली जंग के मैदान में, वो भी बाद में बताऊंगा मैं तारीख कैसे कैसे। तो चलो इंशाल्लाह अल्लाह का इन सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे सबको।